थी सर, पिछले दो तीन दिन से मेरा इलाका अंडर कंट्रोल है सर, किसी तरह की कोई भी घटना नहीं हुई। ओके सर, थैंक यू सर। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम संजना है। क्या हुआ सर? मुझे ना पीपी लो की प्रॉब्लम है और मैं ना अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा रही थी बस में, अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं बस से नीचे उतर गई और थोड़ी देर बाहर बैठ गई थी। मुझे बहुत तेज घबराहट होने लगी, मैंने मेरा बैग देखा तो उसमें पानी की बॉटल तो थी पर उसमें पानी नहीं था। मैं यहाँ वहाँ देखने लग गई और दूर से मुझे एक बंगला दिखा। Hi, beautiful. Hello, sir. Sir, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाएगा पीने के लिए? जरूर मिलेगा। आओ, अंदर आ जाओ। वो सर, वो बीपी लो हो रहा है मुझे थोड़ा। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराओ मत। चक्कर आ रहे थे सर, थोड़ा पानी दे। मैं बहुत शरीफ किस्म का आदमी हूँ और यहाँ पर शहर के बीचों बीच मेरा इतना बड़ा बंगला है। आ जाओ, अंदर आओ, आ जाओ, पानी देता हूँ। बैठो। वो पानी ना अभी लेकर आ रहा हूं। आराम से। ये है पानी, बहुत ठंडा नहीं है, फ्रिज में अभी भरा था ना, नॉर्मल है। की दवा मिला दी थी ताकि जब हम प्यार करें ना तो तुम्हें तकलीफ ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, सुनो, छोड़ो मुझे, सुनो तो, छोड़ो मुझे। अरे बचाओ, बचाओ। हाथ से निकल गई सर, उस पानी में शायद नशा मिलाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसने कुछ तो भी मिलाया था, उससे मैं मेरी तबीयत खराब होने लग गई और मुझे चक्कर आने लग गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। सर मैं वहां से डर कर यहाँ भाग कर आई,
मैंने सोचा पुलिस के पास जाकर मैं कंप्लेंट लिखवा देती हूँ, तो मैं बस सर आप ही के पास आई हूँ सर, मेरी कंप्लेंट लिख दीजिए सर, सर मेरे साथ बहुत जबरदस्ती हुई है सर, मेरी इज्जत लूट ली। शांत हो, कहाँ की घटना हुई है, आपको बंगलो को पता है कहाँ पे हो, क्या नाम पता कुछ? सर शायद शांति कुंज है उसका नाम। शांति कुंज, ठीक है। कांस्टेबल चलो। सर, सर, सर मेरे घर में बहुत बड़ी लूट हो गई है। लूट? मैं तो बर्बाद हो गया सर, तेरी कंप्लेन लिखी प्लीज। आप कौन? मैं शांति कुंज में रहता हूँ, देवांश। शांति कुंज सर, तुम यहाँ? यही वो लड़की, इसी लड़की ने मेरे साथ लूट की, इसने कुछ ऐसी साजिश रची, कुछ ऐसा प्लान बनाया और मेरे घर में लूट की, यही लड़की है वो। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है सर, इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। सर ये झूठ बोल रही है। सर आप मेरा यकीन कीजिए सर, सर इस आदमी ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है सर, मुझे पानी में दवाई मिलाकर पिला दिया सर, यही है वो आदमी जिसने मेरे साथ इज्जत लूटने की कोशिश की है सर, मैं झूठ नहीं बोल रही सर, सच बोल रही हूँ सर। अगर मैंने इसके घर को लूटा होता तो मैं यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाने क्यों आती सर? सर आप बताइए। झूठ मत बोलो। सर आज सुबह जब मैं अपने बेटे से फोन पे कनाडा बात कर रहा था। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, और वहाँ कनाडा का मौसम कैसा है? बहुत ठंड है। तुझे तो ठंड अच्छी लगती है, एंजॉय करो। हाँ मैं तो जैसा तूने कहा है सुबह शाम वॉक करता हूँ और एक्सरसाइज भी करता हूं, जैसा तूने कहा है वैसा ही खाता हूं, बिल्कुल फिट हूं। अरे लगता है दरवाजे पे कोई आया है, बेल बजी, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूं। है बेटा, हाँ लव यू। हाँ सॉरी सॉरी सर। यस सर, मैं श्वेता हूँ, योर चॉइस कंपनी की सेल गर्ल, और सर मैं ये प्रोडक्ट बेचती हूँ जिसे सर बुढ़े लोग जवान, सॉरी सर, जिसे खाकर उम्रदराज के लोग अपने आप को जवान और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से सर ये एक महीने का पूरा कोर्स होता है और इसे खाना खाने के बाद में एक एक डोज ली जाती है। हर रेट भी बहुत ज्यादा नहीं है इसकी, 2350। और जब आप इसे लेते हैं ना सर, तो उस दौरान मैं आपके साथ 3 घंटे रहती हूँ, क्योंकि हमें क्लाइंट को देखना होता है कि इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। बस क्या सोच रहे हैं सर? नहीं कुछ नहीं। सॉरी सर, सर इस प्रोडक्ट का जो भी पैसा होगा ना वो आप हमारी कंपनी के अकाउंट में ही डालेंगे, और 15 दिन के बाद में भी आप डाल सकते हैं। तो लगता है सर मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, चलिए मैं चलती हूँ। अरे सुनो 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 सुनो, क्या नाम बताया आपने? श्वेता। हाँ श्वेता, हाँ श्वेता, असल में जैसी दवा तुम बेच रही हो ना, इस तरह की दवा की तो मुझे सालों से तलाश थी, और मेरे कई दोस्त हैं उनको भी चाहिए, वो भी तुम्हारे क्लाइंट बन जाएंगे। आइए अंदर आइए। ठीक है अंदर आ जाओ, हम लोग बैठ के बात करते हैं। आओ सर, आपका घर तो एकदम शानदार है। थैंक यू। लगता है बड़े शौकीन लगते हैं आप। वाओ सर, क्या घर है आपका, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा है। आपके घर में कोई भी नहीं है? नहीं, सिर्फ मैं हूं अकेला,
मेरा बेटा कनाडा में रहता है और वाइफ को गुजरे कई साल हो गए हैं। हाँ हाँ सर, तो रुकिए ना, आप अभी मेडिसिन तो लीजिए। हाँ हाँ, मैं पानी पी। लाओ, जल्दी लाओ मेडिसिन। असर होगा ना? हाँ सर बिल्कुल। अरे सर रुकिए तो, इतनी भी क्या जल्दी हो रही है? अगर आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे ना, तो मैं 3 घंटे से ज्यादा टाइम दे सकती हूँ आपको। सच? मुझे धुंधला क्यों? श्वेता क्या कर रही हो? पास आओ मेरे। श्वेता मास्क क्यों नहीं आती? ये सब तो उल्टा पलटा है। अरे मेरा कैश, पूरा कैश गायब। छुट्टी, श्वेता कहाँ हो तुम? लड़की इधर हो, लड़की किधर गई? लगता है भाग गई, मेरा सब कुछ लेकर भाग गई। ये तो बहुत बड़ी लुटेरी थी। क्या करूं मैं? हाँ, स्टेशन में उसकी रिपोर्ट दिखाता हूं, यही सही रहेगा। सर अरेस्ट कीजिए और पता कीजिए कि मेरे पैसे कहाँ हैं। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं तो मेरे घर से लिए और वहां जाके देखिए घर किस हालत में। सारा कैश वहां से गायब किया है इसने, मुझे मेरा कैश वापस चाहिए। सर मैं क्यों झूठ बोलूंगी? सर इन्होंने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। सर मैं कंप्लेंट लिखवाने यहाँ पर पहले आई थी ना। आप दोनों चुप रहेंगे? कांस्टेबल दोनों की कंप्लेंट लिखो। दोस्तों देवांश और संजना उर्फ शिवानी ने पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर को जो कहानी सुनाई, इंस्पेक्टर को उन दोनों की कहानी ही सच लग रही थी। लेकिन उन दोनों में सच कौन बोल रहा था और झूठ कौन बोल रहा था, यह जानना मुश्किल था। सच का पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर ने छानबीन शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला। लेकिन तभी अचानक इंस्पेक्टर के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिससे गुनाहगार पकड़ा गया। सर
आपने मुझे अचानक कैसे बुलाया? अभी पता चल जाएगा। सर, मैंने क्या किया है? सर, मुझे यहाँ पे क्यों, मुझे क्यों लाया जा रहा है यहाँ पे? रुको रुको, अभी पता चल जाएगा, रुको। वर्मा जी, साना, योर चॉइस की गवाह नहीं बेचोगी? सर, मेरा नाम तो प्रीति है। अच्छा, प्रीति। अच्छा, तो तुम्हारा नाम प्रीति है, तो तुमने अपने कंप्लेंट में नाम संजना क्यों बताया था? बोलो, ऐसी रुखसाना, स्वीटी, संजना, शिवानी, बहुत सी लड़कियों की कंप्लेंट्स थी हमारे पास, लेकिन वो असली शातिर चेहरा तुम थी। देखो, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, सब सच सच बता दे, क्यों किया तुमने ये सब, कौन कौन है तुम्हारे साथ? सर, मैंने अपनी बदनामी के डर से कंप्लेंट की, लेकिन जब मैंने इसको पुलिस स्टेशन के बाहर देखा तो मुझ में हिम्मत आ गई, इसलिए मैंने इसकी सारी सच्चाई आपको बताई। चल बोल, तू करती है सब? हाँ, मैंने ही किया ये सब कुछ। मैं ही अपनी टीम के साथ में ऐसे लोगों के घर पर जाती थी जो अय्याशी करते थे और अकेले रहते थे, और फिर मैं एक सेल्स गर्ल बनकर घर पे दवाई देती थी जिससे वो बेहोश हो जाए और उनके घर को लूट लेती थी। मेरा आखिरी शिकार ये देवांश था। तुम तो पुलिस की गिरफ्त में आ गई हो, बहुत जल्द तुम्हारा गैंग भी गिरफ्त में आ जाएगा। कांस्टेबल, लेके जाओ इसे। और तुम दोनों, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, नाती पोतों के साथ खेलने की उम्र में ये सब करते हो, ये इंजाम होगा ना। चलो सर। सर, मेरा बहुत कैश था, वो कब मिलेगा सर? जब रिकवरी होगी हम आपको बुला लेंगे, जाओ। ठीक है सर, थैंक यू। दोस्तों, एक कहावत है कि जो बोओगे वही काटोगे, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी लोग गलतियां करते हैं और उन्हें उनकी गलतियों का अंजाम भी भुगतना पड़ता है। हमारी इस कहानी में वर्मा और देवांश ने भी यही किया, उन्होंने गुनाह किया जिसकी वजह से उन्हें उस गुनाह का अंजाम भी भुगतना पड़ा। इसीलिए मेरी आप सब से गुजारिश है कि आप सब गुनाह के रास्ते पर जाने से बचें, ना तो गुनाह करें और ना ही किसी को गुनाह करने दें। हमारी इस कहानी में इतना ही, एक नई कहानी के साथ मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सबसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।